योगी सरकार ने विश्व संचारी रोग नियंत्रण अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत कर दी है। 1 से 31 जुलाई तक चलने वाले स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन जन को स्वस्थ रखना ही सरकार का लक्ष्य है। बारिश के मौसम में बीमारियों की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जरा सी असावधानी के कारण ये बीमारियां किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। यह कारण है कि इन बीमारियों के प्रति जागरूकता के साथ बचाव के अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को नियंत्रित करने में भी स्वच्छता की बड़ी भूमिका है और कोरोना की तरह संचारी रोग से भी डटकर मुकाबला करेंगे। सीएम योगी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनलॉक को हल्के में ना लें, क्योंकि लोग अगर सावधानी नहीं बरते तो कोरोना का प्रसार तेजी से बढ़ेगा। आपके द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बरसात के मौसम में बीमारियों की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और खासतौर पर विषाणुजनित और जलजनित बीमारियां थोड़ी सी असावधानी में किसी को भी अपने आगोश में ले सकती हैं। इंसेफ्लाइटिस हो, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, डायरिया, ये सभी प्रकार की बीमारियां किसी न किसी रूप में थोड़ी सी असावधानी से किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इसके प्रति जन जागरूकता के व्यापक अभियान को लेने के साथ ही बचाव के व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है।